हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खटमल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज 6.2 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अपने क्लास में इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोविंग ऑपरेशंस, यानी कि इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके इनवर्स ऑपरेशंस को यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, तो देखो, पॉजिटिव नंबर का इनवर्स नेगेटिव होता है और नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होता है और डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन वन है प्लस फाइव, तो इसका इनवर्स होगा माइनस फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन टू है मल्टीप्लाई थ्री, तो इसका इनवर्स होगा डिवाइड थ्री। प्लस फाइव का इनवर्स माइनस फाइव, मल्टीप्लाई थ्री का डिवाइड थ्री, और प्लस टू का इनवर्स होगा आपका माइनस टू, माइनस टू का इनवर्स होगा आपका प्लस टू। ठीक है, इसी तरीके से आपके माइनस वन अपॉइंट थ्री का इनवर्स होगा प्लस वन अपॉइंट थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, सॉरी इसमें इनवर्स फाइंड नहीं करना, इसमें आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि आप फर्स्ट स्टेप कौन से यूज करोगे, ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा और ईजी क्वेश्चन है, यह है आपका क्वेश्चन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो एक्स के साथ होता है उसे रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स के साथ माइनस वन है, तो माइनस वन है तो आपको, ठीक है, पॉजिटिव वन यहाँ पर रखना है, यानी कि वन ऐड करना है। ठीक है, यानी कि जिसको आपको रिमूव करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वन को रिमूव करना है, ये माइनस वन है तो आपको प्लस वन करना है, यानी कि दोनों तरफ वन ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है नीचे ऐड वन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड एक एक ऐड करेंगे हम। ठीक है, एक्स माइनस वन में वन ऐड किया, ठीक है, तो जीरो प्लस वन, यानी कि जीरो में भी वन ऐड किया, दोनों तरफ वन वन ऐड करना है। इधर वन ऐड किया तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स आ जाएगा, और जीरो प्लस वन आपका वन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसको हमें हटाना है उसका इनवर्स ऑपरेशन यहाँ पर करना है। जैसे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम प्लस टू को हटाएंगे, ठीक है, प्लस टू को हटाएंगे तो माइनस टू करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा है सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड टू सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, तो इसमें हमें टू सब्ट्रैक्ट करना है, तो टू एक्स माइनस टू, तो आपका क्वेश्चन लिख दिया और माइनस टू भी लिख दिया क्योंकि टू सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस टू लिख दिया। इधर भी माइनस टू लिख दिया क्योंकि ट्वेंटी पर से टू सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों तरफ टू सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, माइनस टू और प्लस टू जीरो हो गए, ओनली आपका टू एक्स बच गया, टू एक्स इधर आ गया, और ट्वेंटी माइनस टू किया तो एटीन आ गया। ठीक है, अब भी हमें टू को हटाना है, ठीक है, पहले हमने इस टू को हटाया था, अब हमें इस टू को हटाना है, तो इस टू को जब हम हटाएंगे तो यानी कि ये वाला टू जो है एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में है, सो हमें इनवर्स ऑपरेशन यानी डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड ही डिवाइड करना पड़ेगा, सो मैंने लिखा है डिवाइड बाई टू बोथ साइड। ठीक है, टू एक्स में टू से डिवाइड करेंगे तो टू से टू कट जाएगा, यानी कि एक्स बच जाएगा, और एटीन में टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा आपका नाइन, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू नाइन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेवन को हटाना है, सेवन नेगेटिव है तो पॉजिटिव सेवन दोनों तरफ रखना है, यानी कि ऐड करना है दोनों तरफ सेवन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड करना है, तो ऐड बोथ साइड, ठीक है, सेवन ऐड करना है बोथ साइड, तो एक्स माइनस सेवन ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपने ऐड कर दिया प्लस सेवन, फाइव में भी प्लस सेवन ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेवन माइनस सेवन हो जाएगा जीरो, ओनली एक्स बच जाएगा, और इधर आपका सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व आ जाएगा, तो सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेल्व। आगे देखो, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू है, सिक्स प्लस का है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स प्लस सिक्स में आपने सिक्स सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी सिक्स सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सिक्स से सिक्स कट गया, ओनली एक्स बच गया,
और 2 - 6 होता है आपको -4, यानी कि एक्स वैल्यू -4 आ गई। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहाँ पर -5 है, ठीक है, तो +5 करना है दोनों तरफ, +5 कर दिया मैंने दोनों तरफ, ठीक है। ये इधर तो 0 हो जाएगा और बाई बाई बच जाएगा, इधर से -7 प्लस 2, -7 और +5 होगा -2, तो बाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, उसमें आपको सेम यही क्वेश्चन करना है। तो देखो यहाँ पर 3L = 42 है, ठीक है, हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को हटाना है, 3 और L मल्टीप्लाई में है, सो हमें 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड कर देंगे डिवाइड। तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, L बच जाएगा, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, P/2 = 6। अब हमें देखो B की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हटाना है, 2 यहाँ पर डिवाइड में है, सो हमें डिवाइड का रिवर्स इनवर्स ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, B/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गया, B बच गया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो B की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, P/9, ठीक है, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से 9 कट जाएगा, P बच जाएगा, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Z -1/3 है और =25/3 है, हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि ये -1/3 कटाना है, -1/3 कटाना है तो दोनों तरफ +1/3 रख दो, ठीक है, यानी कि ऐड कर दो 1/3 बोथ साइड, ठीक है, इधर रख दिया मैंने, तो इधर देखो 1/3 -1/3 0 हो जाएगा, ओनली जेड बचेगा, इधर अगर मैं 1/3 माइनस करूँगा, ठीक है, तो ये आएगा 24/3, ठीक है, ये 25 की जगह 24 लिख लेना आप, 24/3। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, देखो Z/3 = 5/4 है, यहाँ पर 3 को हटाना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 हटेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, Z/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल, जेड बच गया, और इधर इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 5 3 = 15, 15/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, इसमें भी आपको इनवर्स ऑपरेशन से ही करना है। तो देखो X+2 = 9 है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हटाना है, +2 हटाना है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, X+2 - 2 किया तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि X बच गया, और 9 - 2 किया तो 7, तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट है Y-8 = 15, -8 को हटाना है तो +8 करना पड़ेगा दोनों साइड, तो मैंने इधर भी +8 कर दिया, ये तो आ गया 0, बाय बच गया, इधर +8 किया 15 + 8 = 23। Y-1/3 = 2.6 है, यहाँ पर बाय की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1.3 को हटाना है, सो हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि ये माइनस है तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ऐड किया तो ये तो हो गया आपका 0, 1.3 - 1.30 बाय बच गया, इधर हमने 1.3 ऐड किया तो 2.6 में 1.3 ऐड करेंगे तो 3.9। नेक्स्ट देखो यहाँ पर y-1/2 है, ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/2 को हटाना पड़ेगा, -1/2 है तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा 1/2, यानी +1/2 करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि 1/2 - 1/2 0, ओनली बाई बच गया, इधर 1/2 ऐड किया तो 4.5 आ जाएगा आंसर बाई का। नेक्स्ट है Z = -64, यहाँ पर देखो जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 को हटाना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, 8 से डिवाइड किया तो 8 से 8 कट गया, जेड आ गया, और 8 से 64 को डिवाइड किया तो -8, जेड की वैल्यू -8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है, 3R-2 = 46 है, तो पहले हम, ठीक है,
3 को हटाएंगे या माइनस 2 को हटाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ऐड वाले को हटाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन वाले को, तो माइनस 2 को हटाएंगे पहले, तो प्लस 2 करना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा 2। तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें भी 2 ऐड कर दिया और इसमें भी 2 ऐड कर दिया इस इक्वेशन के दोनों तरफ, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो 3n बच गया, और इधर 46 में 2 ऐड किया तो 48, ठीक है। अब 3n आ गया, अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब 3 को भी हटाना है। पहले हमने 2 को हटाया, अब 3 को हटाना है, ठीक है। तो 3 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 48 में 3 से डिवाइड किए तो आंसर आ गया 16, एन की वैल्यू 16 आ जाएगी। ऐसे देखो 5m प्लस 7 है इक्वल टू 17 है। पहले हमें 7 को हटाना है, तो दोनों तरफ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 7, क्योंकि यहाँ पर 7 प्लस का है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 7 सबट्रैक्ट कर दिया, 7 से 7 कैंसिल, 5m बच गया, इधर 17 माइनस 7 किया तो 10 आ गया, ठीक है। अब 5m है तो 5m मल्टीप्लाई में है, तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, और 10 में 5 से डिवाइड दिया तो आंसर आ गया 2m की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आप थर्ड आपका 20p अपॉन 3 इक्वल टू 80। यहाँ पर पहले हम सबसे पहले 3 को हटाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, सॉरी दो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल और 20p बच गया, इधर 80 इंटू 3 किया तो 240। अब हमें 20 को हटाना है, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20p डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 कैंसिल, p बच गया, और इधर 20 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 12 आ गया आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सेम वही है, एक ही प्रोसेस के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। 20 पे इक्वल टू 180 है, पहले 20 को हटाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 20p अपॉन 20 यानी 20 से 20 कैंसिल, p बच गया, और इधर भी 20 से डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया। यहाँ पर 10p प्लस 10 है, तो पहले इस वाले 10 को हटाएंगे, तो दोनों तरफ सबट्रैक्ट करेंगे 10, ठीक है। तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सबट्रैक्ट कर दिया 10, 90 में 10 गया तो 80 आ गया आंसर, और 10 से 10 गया तो 10p आ गया, ठीक है। अब 10p है, 10 और p मल्टीप्लाई में है, तो अब इस वाले 10 को हटाना है, तो डिवाइड करेंगे 10p अपॉन 10, ठीक है। 10 से 10 कट गया, p आ गया आंसर, और 80 में 10 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, तो p इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 3z इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को हटाना है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से 3 में डिवाइड किया तो z आ गया, और 0 में 3 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, तो z इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2x + 5 = 16, ठीक है। अब हमें पहले यहाँ पर 2 को हटाना है, तो डिवाइड देंगे 2 से, 2 से 2 कैंसिल, इधर 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, ठीक है। x + 5 = 8 आ गया। अब हमें इस 5 को हटाना है, तो सबट्रैक्ट करेंगे 5 दोनों साइड, ठीक है। इधर 5 से सबट्रैक्ट किया तो 5 से 5 कैंसिल, x बच गया, इधर 8 में से 5 सबट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, देखो ऐसे ही सेम यही ऐसा ही एक क्वेश्चन 8 वाला है। सबसे पहले इस 5 को हटाना है, तो डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से 5 कैंसिल, x माइनस 3 आ जाएगा, और 35 में 5 से डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा। अब हमें इस 3 को हटाना है, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे 3, क्योंकि ये माइनस 3 है तो ऐड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, x बच गया, 7 प्लस 3 हो गया आपका 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बैग है, उसमें 5 और 2 रुपीज के कोइन्स है, और दे आर इक्वल नंबर, ये दोनों नंबर में इक्वल है, और दोनों का सम जो है 70 रुपये है, यानी कि 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के जो कोइन है, उन दोनों का सम जो है मिला के 70 रुपीज़ है। हमें फाइंड करना है कि द वर्थ ऑफ एक्स रुपीज़ कॉइन, ठीक है, एक्स रुपीज़ कॉइन की वर्थ, तो 5 × x करेंगे तो 5x आ जाएगा। इधर मैं आपको बता देता, एक्स कोइन है 5 रुपीज़ के, तो आपका 5x आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स कोइन है 2 रुपीज़ के, तो 2x आ जाएगा। द इक्वेशन फॉर्म इज, और इक्वेशन बनेगा 5x + 2x, यानी कि
दोनों मिला के 70। देर आर अब यहाँ पर देखो 5 रुपीज़ के 10 है कोइंस और 2 रुपीज़ के भी 10 है, ठीक है। 2 रुपीज़ के 10 है सो इनका हो गया 20, 5 रुपीज़ के 10 है इनका हो गया 50, 50 और 20 मिलके दोनों कितने हो गए 70, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 6.2 है कम्प्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दैट इज़ आई रिक्वेस्ट टू डू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।